तो गाइस क्या आपके भी पास ये वाला ईमेल आया है अपडेट यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक अपडेट है यूट्यूब की तरफ से जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। इस अपडेट में सबसे पहला चीज़ ये बताया गया है कि जो भी आपका यूट्यूब से इश्यूज़ होता था कि मेरा ये चीज़ ये गलती मैंने नहीं किया था फिर भी मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गया या मेरा चैनल रिमूव कर दिया गया, तो ये चीज़ आपको बिना बताए कर दिया जाता था। लेकिन इन सब चीज़ों को लेके YouTube फिर से अपडेट लेके आ गया है जो कि इन सब चीज़ों को अब वो एकदम क्लियरिटी से आपको बताने वाला है पहले कि आप अपने चैनल पे क्या गलती कर दे हो और क्या गलती कर दी है उसकी वजह से ये चीज़ हो गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, आपको लास्ट तक वीडियो देख लेना और अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर समझते नहीं हो और इस रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते हो ना तो आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देख लेना है। पहला है मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट एक्सपेक्ट। ठीक है, तो आप यूट्यूब से क्या एक्सपेक्ट करते थे, जो कि आप बहुत लोग होते हैं तो उनके चैनल पर कुछ नहीं होता था फिर भी उनका वीडियो रिमूव कर दिया जाता था या तो उनका चैनल डिलीट कर दिया जाता था। ठीक है, तो वो लोग अब एकदम बिंदास हो जाए, उन लोगों को जो भी अब किया जाए अगर कोई भी यूट्यूब वीडियो को डिलीट करता है या चैनल को डिलीट करता है या कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो उसके आने से पहले आपको क्लियर कर दिया जाएगा एक ईमेल सेंड करके कि आप ये गलती की हो, इस वजह से आपका ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, जनरल अपडेट फॉर इम्प्रूवमेंट। दूसरा चीज ये है और इसमें ये बताया गया ना कि जो भी जनरल अपडेट है ना उसमें कुछ इम्प्रूव किया जाएगा। जनरल मतलब कुछ भी छोटा छोटा, जैसे अभी मान लीजिए 500 कम्युनिटी पोस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल, ऐसे अपडेट आपको उसमें सारे के सारे आपको इम्प्रूव मिल जाएंगे। ठीक है, वो अब अच्छे से काम करेंगे। ठीक, तीसरा है कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेके। अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जाते हो ना गाइस तो आपका जो चैनल है ना वो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरिटी एकदम बता दिया गया है कि अगर आप रूल्स के खिलाफ जाते हो तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप जो भी कम्युनिटी गाइडलाइन से आप इसको एकदम रीड कर लीजिए और अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए। चौथा अपडेट है न्यूज को लेके। जैसे कि मान लीजिए न्यूज वाले होते हैं ना तो वो कुछ भी बता देते हैं। ठीक है, न्यूज काफी फेक होता है फिर भी वो लोग पब्लिक को गलत न्यूज देते हैं और उससे पब्लिक पे गलत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए यूट्यूब न्यू अपडेट लेके आएगा जिसमें उन लोगों को कुछ रूल होगा। ठीक है, तो वो रूल उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो भी प्रॉब्लम आता था यूट्यूब से रिलेटेड लेके कि YouTube ने मेरे वीडियो को क्यों डिलीट कर दिया, ये तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दे लेकिन आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, YouTube ने मेरे वीडियो को क्यों डिलीट कर दिया, मेरे वीडियो पे ये चीज़ कॉपीराइट क्यों आया, मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आया, तो ये सब चीज़ें अब एकदम क्लियरिटी बता दिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर कोई भी अपडेट यूट्यूब का आता है तो आपको सबसे पहले ईमेल कर दिया जाएगा। जैसे कि ये वाला सबके पास ईमेल गया है, ऐसे ही अब छोटा सा छोटा अपडेट आएगा ना तो सबके पास ईमेल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्लियरिटी बता दिया गया है कि जो भी आप अपडेट आएगा ना वो सारे क्रिएटर्स के पास सेंड कर दिया जाएगा ताकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो, तो ये चीज़ एकदम फाइनल कर दिया गया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।